हेलो दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे करते हैं आधार को डाउनलोड, आधार के साइट से। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने पे याद यहाँ पे हम यहाँ पर टाइप करेंगे UIADI साइट, UIDAI साइट, जो गवर्नमेंट ऑफिस का साइट है आधार के सारे रिलेटेड वर्क्स के लिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांगेगा आपको UIDAI के साइट पे जाना है, सबसे पहले वाले पे। चेक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, गेट आधार, अपडेट आधार, आधार के सर्विसेज, व्हाट इज़ आधार, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको सबसे पहले पे जाना है गेट आधार, इस पर क्लिक करना है। गेट आधार करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, गेट आधार, लोकेट नंबर सेंटर, बुक अपॉइंटमेंट, चेक स्टेटस, डाउनलोड आधार। तो अगर डाउनलोड करना है आपको तो हम यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड आधार। ठीक है, डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद ही हमें लॉगिन वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे सीधे जाना है डाउनलोड आधार, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेंगे आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर या वर्चुअल आईडी। एक्चुअली आधार आपका पहले से बना हुआ तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, इनरोलमेंट मतलब आपने अप्लाई किया है आधार के लिए तो आपको ये इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, और वर्चुअल आईडी भी उसी पे होता है। तो जैसे कि मेरा मान लो कि आपका बना हुआ आधार, तो आधार का नंबर यहाँ पर डालेंगे। चलिए मैं अपना आधार नंबर जैसे कि यहाँ पे डालता हूँ, मैंने अपना आधार नंबर इधर टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद मैं इसमें कुछ कैप्चा डालना होता है, कैप्चा को ध्यान से भरेंगे, स्मॉल को स्मॉल और कैपिटल को कैपिटल से करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैप्चा डाल रहा हूँ, कैप्चा, ओके। ठीक है, मैंने कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद OTP जो आपके रजिस्टर मोबाइल होगा, जो भी आपके आधार पे, उस पर आपकी OTP चली जाएगी। उसको वहाँ पे आपको जो भी OTP आएगी वो OTP आपको वहाँ पे डालना है, और OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड कर देना है। वेरीफाई एंड डाउनलोड करते ही अपना सीधे चले जाएंगे डाउनलोड वाले सेक्शन पे। अभी ये पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं थोड़ा सा वेट करना होगा हमें डाउनलोड करने के लिए। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं आया, जब तक हम वेट ही कर सकते। तो दोस्त यही था प्रोसेस था, इस पर वेरीफाई और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ही डाउनलोड होने लगता है तो डाउनलोड होने के बाद आप सीधे अपने डाउनलोड में जाके इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो गया रहेगा, डाउनलोड होते ही उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड डालते मांगते ही आपको पासवर्ड में आपका पिन कोड डालना है, जो भी आपके आधार का मतलब जो भी आपका एड्रेस है, उस एड्रेस के पास जो भी आपका एड्रेस, जो भी पिन पे, जो भी पिन कोड पे रजिस्टर्ड है, आपको वो पिन कोड डालना, और पिन कोड डालते ही आपका आधार ओपन हो जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुमित टेक चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सुमित ठाकुर।